सूर्य उपासना का महापर्व छठ बिहार के साथ साथ अब पूरे देश में मनाया जाने लगा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार छठ का व्रत संतान प्राप्ति और बच्चों की खुशहाली के लिए किया जाता है। छठ पूजा में अगर कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है ठेकुआ। जी हाँ, छठ पूजा के तीसरे दिन खास तौर से ठेकुआ प्रसाद बनाया जाता है। ठेकुआ छठ के तीसरे और चौथे दिन भगवान सूर्य और छठी मैया को चढ़ाया जाता है और छठ के आखिरी दिन पूजा खत्म होने के बाद लोगों को प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। ये ठेकुआ कितना दमदार होता है, इसके फायदे क्या हैं, ये आपको हम बताते हैं। ठेकुआ एक ऐसी देसी मिठाई है जिसे गेहूं के आटे, गुड़, चीनी, सूखे ड्राई फ्रूट, सूखे नारियल और घी से बनाया जाता है, जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं बल्कि बहुत हेल्दी भी है। ठेकुआ शरीर के लिए भी काफी फायदेमंद होता है क्योंकि ठेकुआ गुड़ से बनाया जाता है और गुड़ में आयरन ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए जिन लोगों के शरीर में खून की कमी या जिन्हें एनीमिया है उनके लिए ठेकुआ बहुत ही फायदेमंद होता है। ठेकुआ में ढेर सारे सूखे ड्राई फ्रूट मिलाए जाने के कारण ये एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल और फाइबर से भरपूर होते हैं जिससे इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ठेकुआ खाने से फ्लू, किसी भी तरह का इन्फेक्शन और कई बीमारियों को होने से बचाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ठेकुआ खाने से विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन ई, कैल्शियम, फॉस्फोरस जैसे न्यूट्रिएंट्स शरीर को मिलते हैं और तो और इसे खाने से लंबे समय तक भूख भी नहीं लगती। इसमें मौजूद फाइबर शरीर को लंबे समय तक ताकत देता है और वजन न बढ़ने देने में भी मदद करता है।